नानी जी देखो तुम्हारा पॉट टूट गया। अल्लाह हू अकबर, ये क्या करे तुम लोगों ने, दोनों ने मिलके मेरा इतना अच्छा खूबसूरत पॉट को तोड़ दिए। अल्लाह अल्लाह, आप देखो मट्टी निकालने की चक्कर में, ये देखिए कितना खूबसूरत पॉट था मेरा, ये देखिए देखिए, ये नई देख रहे हैं, नई किनारी, ये लोगों ने स्क्रू ड्राइवर से ठोक ठोक के मेरा पूरा पॉट इतना अच्छा इतना प्यारा था मेरा तोड़ दिए। अब पता नहीं इन लोगों को इसमें क्या उगाना है, ये दोनों चुड़ैलों को, ये दोनों ने मेरा पॉट खराब कर दिए। अब क्या करना है, अब इसको बताओ, अभी कैसे करेंगे, अभी क्या करेंगे, चिपका के देखते ना, हो चिपकाओ ना, मैं भी देखती हूँ तुम लोगों को कैसे चिपकाते, चिपकाओ ना। और वो भी बीच घर में लेके बैठे हैं, बेडरूम के अंदर, इसको कहाँ बाहर गैलरी में लेके बैठते, के इधर लेके बैठते दोनों मिलके। अभी पूरा घर भी घान कर रहे हैं, अभी पूरी मिट्टी को पहले अच्छे से करो, पूरी ये तोड़ो, पूरे इसकी जड़ें, एक एक जड़ें उसकी निकालो। अरे क्या करने क्या वाले हैं, क्या उगाएंगे, लास्ट में पता चलेगा, बता दी बता दी। और क्या, और धनिया, धनिया। अरे ये मट्टी बेटा पूरी सूख चुकी है, पहले इसको एक 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 ये सब अलग कर दो, ये अक्खा है ना, अलग करो, और पहले उसको है ना ये पॉट को लो, उसको लो पहला, उसको अच्छे से ना टेप से उसको गोल गोल लपेटो, देखो अगर बन जाए सही तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें दूसरा पॉट लाना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेप से ये अच्छे से चिपक जाए, इसको मैं गोल गोल लगा देती हूँ, शायद इंशाल्लाह अच्छा बन जाए, क्योंकि इतना खूबसूरत पॉट अभी लेने जाएंगे कितना महंगा आएगा। देखो बच्चों की थोड़ी सी नादानी में ख़राब हो गया, मुझसे बोले भी नहीं कि नानी जी हम लोग को इसमें कुछ उगाना है या तुम ये खाली करके दे दो, इन लोगों ने मुझे कुछ बोले नहीं, इसके वजह से देखो कितना अच्छे से पूरा टेप ख़त्म होने तक मुझे लपेटना पड़ेगा, तब जाके ये सही बनेगा। बना तो ठीक है, नहीं बना तो डाल दो डस्टबिन में और फिर दूसरा लेकर आओ, छोटे छोटे जो मिलते बाज़ार में, देखो कितना खूबसूरत है, अगर ज़रा इसको धो लेते तो कितना अच्छा बनता। हाँ घुमाते रहो ऐसे ही ताकि पूरा अच्छे से चिपक जाए, कोशिश करेंगे कि अच्छे से चिपक जाए। हाँ हाँ तू घुमाते रहे पहला, मैं ऐसे ही करते रहती हूँ, हाँ घुमाते रहे ऐसे ही, हाँ पूरा ऐसे आड़े टेढ़े लपेटते रहेंगे ना तो वो बन जाएगा, घुमा दो, कोशिश करना, अपना काम है, जुड़े या ना जुड़े बात की बात है, घुमाते रहो। हाँ ये शायद तो दिखना ना, देखिए हाँ देख ना, एक चमक रहा है, देखते एक चिपका हुआ है, देख आराम आराम से उठा बेटा, इतना जोर से पटकेगी तो वो भी निकल जाएगा, मेहनत अपनी पूरी बेकार हो जाएगी। हाँ चिपका, हाँ तू घुमाते रहे बस, मैं ऐसा लगाते रहे, ये देखिए हमारा पॉट कितना अच्छा बन गया, मैंने पूरा टेप से इसको इतने अच्छी तरीके से चिपका दी कि कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये कहीं से टूटा है, देखो नीचे से तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी तरीके से मैंने इसको पूरा टेप, आधे से ज़्यादा टेप ख़त्म कर दी और उसको लपेट दी, माशाल्लाह ये देखिए कहीं से न लग नहीं रहा है, भी नहीं लग रहा, अंदर से भी नहीं लग रहा है, बाहर से भी नहीं लग रहा है कि कहीं से ये टूटा था, देखिए कितना अच्छा बन गया। वरना अभी क्या करते हैं ये लोग, चुपके से उठा के डस्टबिन में डाल देते, फेंक देते, नानी जी को मालूम भी नहीं पड़ता कि बच्चों ने क्या तमाशा किए। चलो अभी इसमें अच्छे से मट्टी को तुम ये, हाँ अभी बस मट्टी को इसमें भर दो, डालो अभी मट्टी इसमें, पूरी नहीं डालना, हाँ इसमें ऐसे नहीं उठाओ बेटा, अभी उसको पॉट को अभी नीचे से उठाना, अभी वो नाजुक हो चुका है इसलिए अभी उसको नीचे से उठाने का, क्योंकि एक बार टूट गया जो चीज़ वो वापस से वो जुड़ती नहीं है। हाँ ऐसे उठा उठा के डालो और थोड़ी मिट्टी बाकी रखना, हाँ पूरा फुल नहीं भर देना, ताकि फिर हम उसमें बीज डाल देंगे, बीज डालने के बाद में फिर वो थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालना, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से उगाते हैं इसको। और हम अभी सिर्फ डालेंगे धनिया, मेथी क्या करने का है, सिर्फ धनिया डालेंगे, फिर तुम लोग देखना किस तरीके से वो उगती है और कितना दिन लगता है। डालो अच्छे से, हाथों से फैलाओ, जब हाथों से लगा रहे हैं मिट्टी उठा रहे हैं तो फैलाने में क्या है, हाँ ऐसा अच्छे से फैलाओ, हाँ डालो दोनों हाथ से उठा के डालो। और याद रखो तुम दोनों को ये ज़मीन भी साफ़ करनी है, आयद इकरा, हाँ ऐसा नीचे से ही पकड़ो बेटा, क्या और वो दूसरा भी पॉट है उसको भी आराम से प्यार से खाली करना, उसको भी, हाँ
उसको भी खाली करो, उसमें भी कुछ उगाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से झाड़ उगाई नहीं हूँ, सूख गए सारे, सब निकाल के बच्चों ने फेंक दिए, और फेंक के अब इनकी नई कारीगरी चल रही है। मेरे पास में 2-3 पॉट ऐसे ही खूबसूरत से है। अभी बच्चे बोले हम नानी जी सब खाली कर देंगे और अच्छे से हम कुछ भी इसके अंदर उगाएंगे। हाँ थोड़ी मिट्टी बाकी रखना बेटा, और डाल, ऐसे क्यों कर रहे, पूरे समेट के उठा के डाल दो ना, पूरी ऐसी डाल दो। हाँ ऐसे हाथ भर भर के उठा इकरा, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी कह के लिए उठा रही, पूरे हाथ भर। हाँ ऐसे पूरे हाथ भर लो, पूरी डाल दो मिट्टी बस। चलो वहाँ लेके चलो, आराम से उस खिड़की में रखो, खिड़की में रख के फिर उसको उगाओ नीचे से। यहाँ आई ये हाँ बस यहीं रखो पहला, हाँ यहाँ रखो, उसके बाद में फिर इसमें अभी डालेंगे पानी, पहले पानी छिड़क, पानी का छिड़काव करो इसको, इसमें हल्का हल्का सा पानी मारो। बॉटल इधर ही करके डालना, डायरेक्ट डालू? हाँ ऐसा डालो ताकि थोड़ी मिट्टी नीचे तक गिल्ली हो जाए। हाँ बस 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 बस, ज़्यादा पानी नहीं डालने का, क्योंकि हम रोज़ रोज़ पानी डालते रहेंगे ना, धीरे धीरे वो पानी नीचे तक पहुँच जाए। चला गया दादू? नहीं बस हो गया। ये देखिए ये अच्छी धनिया है, अच्छी धनिया को हमें थोड़ा सा इसको ऐसे करना है ताकि वो एक में से दो हो जाए, उसके बाद में हमें उगाना है। हमारी अम्मी ऐसे ही करते थे जब हम सिउड़ी में रहते थे ना, तो वहाँ पर बहुत ज़मीन थी हमारे घर के पास, तो वहाँ पर हम लोग टमाटर का झाड़, मिर्ची का, कोथमीर और हरी प्याज सब हम लोग उगाते थे, डब्बों में ही उगाते थे, लेकिन बहुत अच्छे झाड़ लगते थे। टमाटर तो माशाल्लाह इतने अच्छे आते थे। ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा करेंगे ना ऐसा, तो एक में से ये दो हो जाएगा। ये एक में से दो होने से है ना अच्छे उगते हैं, क्योंकि एक एक अक्खी धनिया में दो दाने होते हैं, इसलिए हमें उसको ऐसा कर लेना है। कभी उगाएंगे ना ऐसे करने का, और मेथी को नहीं ऐसे करना पड़ता, मेथी के बीज को ऐसे डाला जाता है। नानी जी मुझे भी थोड़ा करने दो ना। लो ये लो, हाँ फिर देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ ताकत से कर, ताकत लगा उसको। अरे बाप रे सब गिरा देंगे बाबा अभी तुम लोग ने, है ही थोड़ी सी वो। हाँ ऐसे ताकत से करो ज़रा सा, बस खाली दो होना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि पीस रहे हैं हम, पीसना नहीं, सिर्फ धनिया एक में से दो हो रही नहीं इसके वजह से। हाँ ये प्लेट की किनारी है ना, इससे नहीं आ रही। हाथ में लेके देख, पहले हाथ में लेके देखो कैसे हुई वो। नहीं नहीं हाथ में लेके देखो, हुई एक में से दो? हाँ कुछ कुछ हुई है, कुछ कुछ। हाँ चलो चलेगा, इसे ही डाल देंगे, चलेगा। अरे तुम लोग तो ऐसा लग रहा है कोई खेल है, क्योंकि पहले देखे नहीं ना कभी तुम लोगों ने। हाँ रख दे उसमें। हाँ ऐसे, हाँ देख आवाज़ आई ना, ये आवाज़ आई तो समझना ये टूट रहा है, देख आवाज़ आ रही ना। हाँ अरे खुदा खराब खराब कर दी, खराब आ रहा है क्या, हो रहा ही नहीं है ये मुझे, मतलब पहले देखिए आवाज आवाज दिख रही, हो गए पूरे हो गए। हाँ माशाल्लाह ये कितने अच्छे हो गए ना, ये सब एक में से दो हो गए, आधी आधी धनिया हो गई। अब हम इसको मिट्टी में डाल देना है, तो माशाल्लाह अच्छी सी कोथमीर बन जाएगी इसकी। चलो अभी ठीक है, ये देखो इसको हमको अच्छे से उगाना रहा ना, तो इसको करो ऐसे गोल बनाओ, ये गोल, फिर इसको थोड़ा यहाँ से गोल, फिर ये यहाँ ऐसे। अभी ये पूरी खराब हो रही, हाँ खराब हो रही, वादा नहीं। देखो ये अपने ऐसे डालने के तरीके से डालेंगे ना, वो खुद ही सही बनेगी। एक ये हम डाल रहे हैं ऐसे, हाँ
ये अभी हमें डालनी है वापस से ऊपर से मिट्टी। अब रोज मैं पानी डालूंगी। डालो इतना डालो पानी की जितनी उसको जरूरत है, ज्यादा भर भर के डालेंगे तो बीज खराब हो जाएगी। स्प्रे से मारने बस स्प्रे, हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे ना तो वो अच्छे से उगेगी। वो वाला भी टूट गया था रिकॉर्ड, उसको भी टेप लगाना। हो गया, अब इस पे हल्का सा फिर वापस इस पे पानी डाल दो। अब इसको हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे ना तो वो अच्छे से उगेगी। वो वाला भी टूट गया था रिकॉर्ड, उसको भी टेप लगाना। हो गया, अब इस पे हल्का सा फिर वापस इस पे पानी डाल दो। अभी इसको हमें पानी इस तरीके से डालना है ताकि हमारी बीज को भी पानी लग जाए और ज़मीन में भी नीचे तक पानी पहुंच जाए। अब सिर्फ इसको दिन में एक ही वक्त तुम लोग पानी डालो, ऐसा नहीं कि नानी जी नहीं देख रहे तो चलो लाओ डाल दो पानी, लाओ डाल दो तो ख़राब हो जाएगा पूरा। हाँ एक ही टाइम डालो, जब उग जाएगा ना तो वो ऐसे स्प्रे मारने वाली बॉटल आती है ना वो लेके आना फिर तभी। चल हो गया, अब इसको उठा के रख दो बाहर खिड़की में, संभाल के ध्यान से रखो क्योंकि इसको बाहर की रोशनी भी मिलेगी ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो जितनी बाहर की हवा लगेगी ना झाड़ उतने अच्छे उगते, चाहे कोई भी झाड़ क्यों ना हो उनको बाहर की हवा चाहिए। ये देखो अभी देखेंगे शायद हम एक हफ्ते बाद इसको देखेंगे कि कैसा हमारे कोथमीर कैसी उगी है कैसी नहीं। मैं एक हफ्ते बाद आप लोगों को ज़रूर इसका वीडियो बताऊँगी।